तबका जो है या छोटे मोटे काम करने वाले लोग, उनके यहाँ बड़ा मसला होता है। तो इस तरह की स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियों और वजीफों से उन्हें सहारा मिल जाता है, उनके बच्चों के लिए आसानियां पैदा हो जाती है। वरना गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे जहीन जहीन बच्चे जो हैं तालीम बीच में तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं। खुद मैं मदरसा आलिया से मैंने प्राइमरी किया है और आलिया स्कूल से मेरा हाई स्कूल है, तो मेरे क्लास में भी कई सारे बच्चे थे हमारे क्लास से लोग जो बहुत जहीन थे, लेकिन वही माशी जो मसाइल थे उसकी वजह से उनको बीच में ही तालीम अपनी तर्क करनी पड़ी और ये मसला आज भी बरकरार है। अगर हम अपने यहाँ ड्रॉप आउट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज में ड्रॉप आउट होता है वो स्कूल लेवल पे होता है, हाई स्कूल और इंटर लेवल पे। आमतौर पे बच्चे जो है आठ तक या प्राइमरी लेवल तक पढ़ लेते हैं, ड्रॉप आउट होता है स्कूल छोड़ने का जो अमल सबसे ज्यादा होता है वो हाई स्कूल या इंटर। इंटर में ज्यादा रेशियो, हाई स्कूल में ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि अगर इंटर आपने कर लिया तो उसके बाद बहुत ज्यादा आपको तालीम हासिल करने के लिए बचा नहीं है। पीएचडी वगैरह तो दूर की बात है, जैसे ग्रेजुएशन आपको करना है तो 3 साल और आपको चाहिए। जहां आपने 12 साल पढ़ाई कर ली है तो किसी तरीके से जिद्दोजहद करके, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके 3 साल और आप किसी तरह पढ़िए, कोशिश करिए प्रोफेशनल कोर्स करिए, वोकेशनल कोर्सेस करिए जिनसे आपको रोजगार हासिल करने में, नौकरियां हासिल करने में आसानी हो। अब सिंपल बीए वगैरह का बहुत मतलब कह सकते हैं कोई खास अहमियत नहीं रह गई है। ग्रेजुएट है तो ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आप बैठने के आयल हैं। एक बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं मऊ में या छोटे मोटे शहरों में, तो आमतौर पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षाएं या जो गवर्नमेंट की तरफ से नौकरियां निकलती हैं उसकी तरफ उनका ध्यान कम रहता है। वो सोचते हैं कि अपना अपने शहर में ही नौकरी मिल जाए, कहीं चाहे प्राइवेट ही हो या छोटा मोटा कोई इस तरह का हमें काम मिल जाए, हम उसी में लग जाएं। हालांकि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी सरकारी नौकरी निकले जिसके लिए आप अहल हैं उसके लिए आप अप्लाई कीजिए और घर पर तैयारी आप कर सकते हैं। इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे आप हजारों की तादाद में कोचिंग सेंटर जो हैं ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और फ्री में आप उनकी वीडियो देख सकते हैं और जो आपके समाज में कामयाब लोग हैं उनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ये जमाना है, इसमें कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, गांव की मानिंद बन गई है। इंफॉर्मेशन और इत्तलात का जो है सेकंडों में जो है आदान प्रदान या कह सकते हैं कि इनकी तरसील जो है एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सेकंडों में होती है। तो एक चीज ये कि हमें जो है ये कि अक्सर शिकवा शिकायत हमारे स्टूडेंट या हमारे बच्चे करते हैं कि घरेलू परेशानी है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, हम नहीं पढ़ सकते, तैयारी कैसे करें, तो ये सब मेरे ख्याल से बहानेबाजी है। अगर करने वाला आदमी होगा तो किसी भी हालात में कर लेगा, ठीक है। कुरान में कायद है कि वल्लाहि सदिल इंसान इल्ला मा सहा, इसका तर्जमा यह है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, प्रयास करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बिना कोशिश किए सिर्फ अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी का रोना रोएं तो इससे मसाइल हल होने वाले नहीं है, बल्कि मसाइल और बढ़ेंगे और मजीद पेचीदा होंगे, मजीद मुश्किलात और दिक्कतें आएंगी। तो हालात से लड़ना होगा हमें, हम अपनी फजूल खर्चियों को कम करें। आप देखिए
मऊ में आप, मैं ये देखिए तनकीद नहीं कर रहा हूँ, दर्द जो हम लोग देखते हैं और बड़ा हम लोग को अफसोस और तकलीफ होती है कि मऊ में आए दिन हर दिन एक नया रेस्टोरेंट खुलता है, नए नए रेस्टोरेंट का जो है इनॉग्रेशन होता रहता है। यानी हमारा जो मिजाज बन गया है बहसियत एक कौम और समाज के, वो खाने पीने वाला बन गया। हमारा पढ़ाई लिखाई से रिश्ता नाता जो है दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आप लाइब्रेरियों का हाल देख लीजिए, जो कुछ पब्लिक लाइब्रेरियां थी, नगर पालिका की लाइब्रेरी थी या लोगों को चिंगी पे एक लाइब्रेरी थी, दानिश कदा एक बेहतरीन लाइब्रेरी थी, इन सब लाइब्रेरी पर क्या हाल है, कितने कारी वहां पे पहुंचते हैं, कितने पढ़ने लिखने लोग जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेल रही है कि जहां हमें तालीम के मैदान में आगे होना चाहिए, हमें नई नई लाइब्रेरी, हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और उसमें हर तरह की किताबें हों। मतलब उस तरह की गंदे लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी किताबें हों जो आपकी रहनुमाई कर सके, आपकी किरदार साजी कर सके, कम्पिटिटिव एग्जाम से मुतालिक मैगजीन्स हों, किताबें हों। और यहाँ पर मौजूद अगर स्टूडेंट हैं तो मैं उनको मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर या जो भी, जब मैं यहाँ पे मऊ में था, यहाँ से ग्रेजुएशन होने के बाद मैं जेएनयू और जामिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्कूल लेवल पे कंपटीशन हुआ करते थे, मैं उसमें तकरीबन सभी ने हिस्सा लिया करता था। और वो मेरा सिलसिला शुरू हुआ था नौवीं जमात से, उससे पहले शायद मुझे याद नहीं कि किसी कंपटीशन में मैं बैठा हूं। मजलिसे निदाए वक्त ने 2003 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जनरल नॉलेज का कंपटीशन कराया था और उस वक्त मैं नौवीं क्लास में था। जिले लेवल का कंपटीशन था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें पूरे जिले में टॉप किया था, पहली पोजिशन हासिल की। उसके अलावा मैं मदरसे में जब पढ़ता था तो भी अपनी क्लासेज में अक्सर अव्वल आता था। खैर, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक रहनुमाई और हौसला अफजाई के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि इससे हमारे तलबा सीखें कि हालात से घबरा कर अगर इंसान पीछे हट गया तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हालात का डट कर सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, तब आप कामयाब होंगे। और जो कौमें आज दुनिया में आगे हैं उनको देखिए, वो क्यों आगे है, तालीम मेयार उनका क्या है, तालीम में उनकी देन क्या है, उनकी जिद्दोजहद क्या है। हम अपने माजी, रोशन माजी की अक्सर तारीफ करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं कि हमारा माजी बड़ा ताबनाक था, बड़ा रोशन था, ये था, होता ठीक है, माजी की बातें हैं। फिद्रम सुल्तान भूत कहने से मसले का हल नहीं है। आप मौजूदा वक्त में क्या है, आप इस वक्त क्या दुनिया में पोजीशन है, आप किस मकाम और किस जगह एग्जिस्ट करते हैं, कोई हैसियत है आपकी दुनिया में, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, दुनिया का मुकाबला करना है, कंधे से कंधे दुनिया के साथ शाना बशाने चलना है, तो फिर आपको तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा, बिलखसूस साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। ये बहुत अहम चीज है। साइंसी उलूम फुलून के जमाने में जो है बहुत सारे मजाहिब में वो उनके मजहब के मुखालिफ करार दिया जाता था। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट या हम कह सकते हैं साइंसदानों को इसी की वजह से सजाए मौत भी हुई, उस वक्त की हुकूमतों ने उनके नजरियात से, उनकी इजादात से इत्तेफाक नहीं किया और मजहब मुखालिफ करार देकर उनको सजाए मौत दी गई। बहुत सारे नाम है, किसका किसका नाम यहाँ पे गिनाया जाए। तो जरूरत है कि हम अपने हालात से सभी लोग वाकिफ हैं, हम पढ़े लिखे, फजूल खर्ची को कम करें। आप देख लीजिए चाय खानों और पान की दुकानों का क्या आलम होता है। पान में एक आदमी जो है पान खाने वाला औसतन मेरा अंदाजा कि एक दिन में 20 से 25 रुपया 30 रुपया पान में बर्बाद कर देता होगा, उसका कोई
ذہنی اور جسمانی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے نقصانات انگنت ہیں. وہی اس سے پوچھو کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, تو تین بچے ہیں, دو بچے جتنے کس اسکول میں پڑھتے ہیں, تو معلوم ہے کہ اسکول میں نہیں پڑھے, کسی جگہ بہت اگر پڑھ بھی رہے تو جیسے تیسے پڑھ رہے ہیں. اگر وہی آدمی وہ جو فضول خرچی میں پیسہ برباد کر رہا ہے اس کو بچا کر اپنے بچوں کی تعلیم میں کسی اچھے اسکول میں ان کو پڑھائے تو ان بچوں کی زندگی سنور سکتی ہے, لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے. دیکھیے ہر کام ایک روش یا ہم جو بھی کہہ رہے ہیں عادت سی یا جو بھی ہے, میں دیکھیے بات جو ہے بڑا بے لاگ لپیٹنی کرتا ہوں, صاف گوئی کا میں حامل ہوں, اسی وجہ سے اکثر لوگ میری باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں ہے نا, یا بڑا باتیں جو کلیئر کٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے جب تک ہم کلیئر کٹ بات نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. دیپا پوتی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, وہ پیچیدہ ہوتا ہے. تو بات میں کر رہا تھا فضول خرچی وغیرہ کی, تو اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. شادی بیاہ میں دیکھیے کیا عالم ہے ہمارے یہاں, یہ سب پہ بات ہوتی ہے, میں بات سب پہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کو میں تعلیم سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ تعلیم آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, اسے اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ آپ رونا روتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, معاشی تنگی ہے, آپ کے حالات اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن وہی دوسری جو فضول رسم و رواج ہمارے سماج سوسائٹی نے جس کو لازمی قرار دیا ہے, اس میں ہم لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں. تو میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر اتنا ہی کہوں گا کہ دو روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے. یہاں پہ والدین بھی موجود ہیں اور ہر آدمی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے. آنے والے وقتوں میں ہے نا ان پڑھ آدمی یا کہہ سکتے ہیں کہ ناخواندہ آدمی کو کوئی پانی تک دینے والا نہیں ہے, رہے گا کوئی اس کی پہچان نہیں ہوگی سماج اور سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, اقبال نے کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نمیش غریبی میں نام پیدا کر, خود ہی نمیش غریبی میں نام پیدا کر. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منظر کمال صاحب, سماج کے تلخ حقائق سے ہمیں روشناس کرانے کا.